पर देखिए, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी देखिए निकलकर सामने आ रही है। सपा और कांग्रेस में अब तक कोई भी बात फाइनल नहीं हो पाई है। सीसा मऊ से किशोरी लाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया गया है, वहीं बीरापुर से सांसद इमरान मसूद को पर्यवेक्षक बनाया गया है और इसी के साथ कुंद्रकी से सांसद राकेश राठौर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर तनुज पुनिया, मझुआ में वीरेंद्र चौधरी को पर्यवेक्षक बनाया गया है और इसके बाद फूलपुर से देखे उज्ज्वल रमन सिंह और कटेहरी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मिल्कीपुर से अखिलेश प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। खैर में बताया जा रहा है कि राजकुमार रावत करहल में रामनाथ सिकरवार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर अंदर ही अंदर देखिए कहा जा रहा है कि बात नहीं बन पाई है और यूपी में 10 विधान सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सारा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन को लेकर के जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है या फिर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, वो अभी इस बात को तय नहीं कर पाया है कि आखिरकार यूपी की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन यूपी कांग्रेस की जो अपनी कवायद है वो शुरू हो गई है और यूपी कांग्रेस में जैसे कि आरएलडी और प्रेशर पॉलिटिक्स करके दबाव बना रही थी बीजेपी पर, ऐसे ही अब कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस भी प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि 10 की 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतार दिए हैं और बड़े बड़े चेहरे उतारे। अगर बात करें अमेठी के सांसद की तो उनको उतारा गया है, बाराबंकी के सांसद है उनको भी जो है कहीं की सांसद है उनको भी जो है कहीं कहीं पर्यवेक्षक के तौर पर उतारा गया, वीरेंद्र को उतारा गया। तो ऐसे में 10 की 10 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक उतार देना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दबाव बना रही है, क्योंकि अंदर खाने से ये खबर आ रही है नंदनी की 10 की 10 सीटों की बजाय 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में उपचुनाव के पहले थी, जिस पर 4 सीटें ऐसी हैं जो जिसके मेंबर लोकसभा चले गए हैं, विधानसभा में थे और जीत करके लोकसभा मतलब सांसद बन गए हैं। 1 सीट ऐसी सीसा मऊ की है समाजवादी पार्टी की, जिनके विधायक इरफान सोलंकी सजा याफ्ता है, जिनको 4 साल से ज़्यादा की सजा है। ऐसे में उनकी जगह पर उनके परिवार को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लड़ाने का प्रयास कर रही है। तो इन 5 सीटों के बाद अगर 5 सीटें बात करें तो उसमें 1 सीट आरएलडी के पास थी, 4 सीटें बीजेपी के पास थी। तो इन 5 की 5 सीटों पर दावा कांग्रेस कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने 10 के 10 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक उतार करके ये दबाव बनाने का प्रयास किया है कि वो इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अंदर खाने ये जानकारी आ रही है समाजवादी पार्टी के इंड से कि समाजवादी पार्टी 8 सीटें कम से कम अपने खाते में रखना चाहती है और 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर, एक पश्चिम की और एक पूर्वांचल की, जिन पर वो कांग्रेस को चुनाव लड़ाएगी। लेकिन हालांकि इस बारे को लेकर के अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से और ना ही कांग्रेस की तरफ से। उसके पीछे का बड़ा कारण ये भी है कि अभी चुनाव की जो तिथियां हैं वो अभी घोषित नहीं हुई हैं। चुनाव की डेट आने के बाद ये कहीं ना कहीं आपसी जो तालमेल की कमी दिख रही है वो पूरी कर ली जाएगी और शीर्ष नेतृत्व ये जरूर तय कर लेगा कि आखिरकार किस तरीके से यूपी के 10 सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से आपने बताया कि प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, क्या लगता है उपचुनाव में ये गठबंधन रहेगा या टूट जाएगा? नहीं, गठबंधन रहेगा, क्योंकि गठबंधन की मजबूरी दोनों ही दलों की है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। क्योंकि अगर गठबंधन टूटता है तो यही तो बीजेपी चाहती है कि गठबंधन टूटे और मुस्लिम वोट जो है वो भ्रमित हो, वो बटे, और यही बंटवारा कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसका फायदा कितना रहा ये लोकसभा की जो सीट के परिणाम आए हैं, इस बात को बेहद दोनों ही दल समझते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे के पहले दोनों ही दलों में खूब तलवारें निकली थी और यूपी कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी में खूब ताने बाने अलग अलग राह के बुने गए थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ प्रवेश करती है और वैसे ही प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मुलाकात होती है, मिनटों में गठबंधन की सारी सीटें क्लियर हो जाती है। वैसा ही कुछ, क्योंकि पहले ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया था
कि समाजवादी पार्टी और यूपी के गठबंधन के साथ जो भी सीट का बंटवारा होगा वो शीर्ष लेवल पे होगा और वो दिल्ली में होगा। तो ऐसे में यूपी कांग्रेस की अपनी कवायद है, प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है कि सीट ज़्यादा से ज़्यादा खींची जा सके, लेकिन जो भी फैसला होगा वो हाईकमान दिल्ली करने वाला है। जी नंदनी, बिल्कुल संजय, क्या लगता है जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस कह रही है कि मुझे 5 सीटें चाहिए, इसी बीच लगातार देखा जा रहा है कि खींचतान बढ़ती ही जा रही है सीटों को लेकर? हाँ बिल्कुल, सीटों को लेकर के खींचतान है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़े, जिससे कि अब कांग्रेस के वो दिन नहीं रहे जो पुराने 32 साल पहले की कांग्रेस जो थी। अब इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम में कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्साह मिला है, भले ही कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल की हैंडल में बैठ के आगे बढ़ी हो, लेकिन अभी उत्साह थोड़ा उत्साहित है कार्यकर्ता, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़के वो जीत हासिल करे। हालांकि एक सीट उपचुनाव का लखनऊ में हुआ था, जो पूर्वी लखनऊ की सीट थी जहाँ पर आशुतोष टंडन थे, वो सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो ऐसे में कांग्रेस के पूरे जो सिनेरियो है उसका जो परिणाम आए हैं, जो वोट प्रतिशत है उसको लेकर के सीट शेयरिंग की बात होगी। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहारे ही नैया पार लगा सकती है। ऐसे में उस सीट शेयरिंग तभी संभव है जब सारे ताने बाने को देखा जाएगा और उसके बाद उन्हें जो सीटें मांग रहे हैं उसमें कम ज्यादा की गुंजाइशें देखी जाएंगी और ये फैसला शीर्ष नेतृत्व तो दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व तो करने वाले हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर रायबरेली से है जहां पर देखिए 4